हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है sizewellonline.com पर। और आज हम जानेंगे डायमंड के बारे में, जिसको हम हीरा भी कहते हैं। ये रत्नों का राजा होता है दोस्तों। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि इसको किसको पहनना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती है, कैसे क्या होता है। और इस वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों। इसमें हम जानेंगे कि डायमंड को टेस्ट कैसे किया जाता है, आसान तरीके से, घरेलू तरीके से, घर पे ही अपन टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। डायमंड, जिसको हम हीरा भी कहते हैं, वो रत्नों का राजा होता है दोस्तों। और इसको ये ज़्यादातर अफ्रीका की माइंस से मिलता है हमें, आज की तारीख में अफ्रीकन माइंस में मिलता है, जो कि अफ्रीका में है। और उस वहाँ से सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, और वहीं से ही अपने भारत में आकर के, और इसको जब रफ डायमंड को कट करके, और हम फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसकी हार्डनेस की। इसकी हार्डनेस होती है 10। 10 हार्डनेस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये डायमंड। ये कार्बन का रूप होता है। हम बात करेंगे इसके यूज़ किस किस चीज़ में होते हैं। इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, फिर ज्वेलरी यूज़ होता है। जो वेस्ट डायमंड होता है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो जाता है। और जो प्रीशियस डायमंड्स होते हैं, जैसे जैसे जो क्लैरिटी वाले होते हैं, या फिर जो कलर में भी, जो फैंसी कलर्स में भी अच्छे डायमंड जो होते हैं, अच्छे हीरे, उन सब का ज्वेलरी में यूज़ होता है। और अब हम बात करेंगे कलर्स की। कलर, इसमें जो कलर होता है वो डी कलर से चालू होता है, क्योंकि ए बी सी अभी ये छोड़ रखे हैं ब्लॉक। अभी इन कलर के डायमंड के, मतलब इससे अच्छा कोई हीरा मिल जाए उसके लिए ए बी सी सब ब्लॉक छोड़ रखे। इसके बाद डी कलर से चालू करते हैं इसके कलर गिनना। तो सबसे जो वाइट, ब्लूइश वाइट होता है ना, वो डी कलर में होता है। उसके बाद जो ई एफ कलर तक वाइट होता है, और उसके बाद जी एच, ये टिंटेड थोड़ा सा हो जाता है, हल्का सा। उसके बाद जो एच आई कलर होता है, वो थोड़ा ज़्यादा टिंटेड वाइट होता है। और उसके बाद जे के एल एम एम तक आते आते थोड़ा पीलासपन दिखने लग जाता है डायमंड में, थोड़ा येलोइश। और उसके बाद वो फैंसी कलर्स में चेंज हो जाते हैं। वो फैंसी कलर्स में जैसे कि ग्रीन कलर हुआ, जैसे ब्लू कलर हुआ, ब्लैक डायमंड भी आता है दोस्तों। ब्लैक डायमंड पूरा बंद डायमंड होता है, वो कोई कलर में नहीं आता, वो लास्ट कैटेगरी में आता है, पर वो ब्लैक डायमंड भी आता है। और इसमें ऑरेंज कलर भी आता है, फिर पिंक कलर भी आता है डायमंड में, और काफ़ी सारे कलर आते हैं डायमंड में। और इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी क्लैरिटी की। क्लैरिटी, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, इसकी क्लैरिटी एफ एल से चालू होती है। एफ एल के बाद VVS1, VVS2, वैसा ही VS क्वालिटी। इसके बाद वेरी स्लाइट इंक्लूज़न, उसके बाद SI, स्लाइट इंक्लूज़न, उसके बाद आई होती है इंक्लूज़न, जो भरा हुआ होता है। वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज़ में काम में आता है, वो ज्वेलरी के यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा हीरा काले काले छांट से भरा हुआ होता है। काले काले जी छांट, झीरम, ये सब पूरे सब जगह उसकी नज़र आती है। इसमें फोर सीज होते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, कलर, कट, ये तो मैं आपको, और क्लैरिटी, ये तो तीन सी तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद चौथा सी आता है कॉस्ट। कॉस्ट इसकी दोस्तों, कॉस्ट लगभग साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। ये एक दो सेंट के भी हीरे आते हैं, उससे कम के भी आते हैं, पर मिनिमम जैसे जो ज्वेलरी में छोटे छोटे हीरे लगे होते हैं, वो एक एक सेंट, दो दो सेंट से चालू होते हैं। और जैसे किसी को अगर राशि के हिसाब से पहनना हो, तो वो कम से कम 10 सेंट से ऊपर का हीरा ठीक रहता है। आइडियोलॉजिकली 10 सेंट से ऊपर का हीरा ठीक रहता है। 10 सेंट का आता है, फिर 20 सेंट का भी होता है, फिर 30 सेंट का भी हीरा आता है। और वैसे जैसा अपना पॉकेट अलाउ करे, 50 सेंट, फिर 1 कैरेट, फिर 2 कैरेट, 5 कैरेट, 100 कैरेट तक भी डायमंड आते हैं। तो अगर जैसे छोटे पीस तो ठीक है,
बाकी अपन अगर कैरेट साइज से ऊपर की बात करें तो ये सर्टिफाइड डायमंड सही रहते हैं, और सर्टिफाइड की बात करें तो सबसे अच्छा लेबोरेटरी है GIA और IGI, ये इनसे इनके द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, बड़े हीरे इनके द्वारा सर्टिफाइड होते हैं 1 कैरेट से ऊपर वाले, और इसके थ्रू ही इनकी रेट निकाली जाती है। जैसे अगर जी कलर हुआ और VVS1 हुआ और इसका कट एक्सीलेंट हुआ। सॉरी दोस्तों, मैं आपको कट के बारे में बताना भूल गया। कट कट के अंदर इसके अंदर होता है, एक तो होता है गुड और फिर वेरी गुड और फिर बेस्ट, एक्सीलेंट, सॉरी एक्सीलेंट कलर होता है। तो सर्टिफिकेट में भी ऐसा ही मेंशन होता है, जो जैसे अपन कलर वो कट होता है ना, उसमें अगर एक्सीलेंट होता है तो सबसे बढ़िया वो कट कहलाता है। उसमें ये राउंड डायमंड्स वगैरह में ज़्यादा काउंट करते हैं कट को, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो रेज होती है वो ज़्यादा ज़्यादा अंदर फैल करके और उसमें से शाइन ज़्यादा बाहर निकलती है, उसके कारण उसका कट मायने रखता है। उसके टेबल आप देख पा रहे हैं, टेबल और जो पवेलियन वगैरह वगैरह सब स्टार फैसेट्स, जो साइड के जो होते हैं डायमंड के अंदर टेबल के साइड में फैसेट्स, उनको स्टार फैसेट्स कहते हैं। तो वो सब एक रेशियो के अकॉर्डिंग कट होते हैं गोल हीरे में, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली वो पूरा रोशनी जो सनरेज होती है उनको कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सके, इसके लिए वो बनाया होता है, उसके कट इसके लिए डाले होते हैं उसमें। तो वो एक्सीलेंट कट में बहुत अच्छा ये टर्मिनेशन देता है। और अब हम जानेंगे कि किनको पहनना चाहिए। दोस्तों, तो ये शुक्र ग्रह का रत्न होता है, लक्ष्मी कारक होता है और शुभ रत्न होता है डायमंड। तो ये कोई भी पहन सकता है डायमंड, और इसको शुक्र, जिसको शुक्र के ग्रह के हिसाब से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हीरा पहनने के में कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको हीरा उसी के लिए ही है। वैसे वो हीरा ज़रूर पहने, और वैसे नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो हमारी गृहिणियाँ, हमारे जो वर्किंग वुमेन्स वगैरह सबको देखो, वो सब डायमंड पहनती हैं और पहन भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें डायमंड पहनने में। अब हम बात करेंगे इसको किस फिंगर में पहनना चाहिए। इसको दोस्तों रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, राशि के हिसाब से अगर अपन पहने रिंग फिंगर में पहनते हैं, और जब ये टच होता हुआ होता है, टच होता हुआ पहनना चाहिए। जैसे ये पुखराज मैंने पहन रखा है तो ये पीछे से टच होना चाहिए, जैसे इसी तरह से डायमंड भी पीछे से टच होता है, तो वो शरीर के अंदर उसकी रेस जाती है तो तब वो असर करता है। इसकी कॉस्ट की बात करें तो हम ये 10-20 हज़ार रुपये से लेकर के, 10-20 हज़ार मतलब 10 सेंट का हीरा होता है, 10-20 हज़ार से लेकर के, और फिर 30 सेंट का हीरा जो होता है वो भी सफिशियंट होता है। जैसे किसी को डायमंड अगर बताया गया हो तो 30 सेंट का हीरा लगभग 30-35-40 हज़ार तक में आता है, और इसी क्रम में आगे जैसे 50 सेंट का हीरा अगर अपन को चाहिए तो वो 1.5-2 लाख, जैसी क्वालिटी 2.5 लाख तक आता है, और इसी हिसाब से 70 सेंट 72 सेंट का हीरा जो अपन लेने जाते हैं तो 2 से 3 लाख के बीच में आता है वो। और बड़ा अपन जाते हैं जैसे जैसे 1 कैरेट का हीरा होता है वो 3 से 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक में भी पड़ता है वो। फिर वो सर्टिफाइड डायमंड्स में काउंट होने लग जाते हैं, वो उनके इंटरनेशनल लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे जो भी आपको लेने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं IGI और GIA से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको डायमंड किसी ने बताया है या फिर आपको डायमंड पहनना चाहते हैं तो आप मेरे को इस वेबसाइट पे या फिर ये जो आपको नंबर शो हो रहा है इसके व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल करके आप मुझे ऑर्डर नोट करवा सकते हैं। आपके मन में अगर कोई क्वायरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने एक नई 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 शुरुआत करी है जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो जन्म पत्री के हिसाब से जो आपका स्टोन है वो हम रिकमेंड भी करेंगे आपको,
हमारे जो ज्योतिष है उनसे पूछ करके और आपको उसको रिकमेंड करवाएंगे, जिससे आपको एकदम एक्यूरेट आपका स्टोन पता लग सके। तो ये भी अगर आपको सर्विस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ये चीज़ें मुझे भेज करके आप, और फिर मैं आपको उनसे पूछ करके जो भी कंसल्टेंट करके हम हमारे ज्योतिष से, और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये नग पहनने चाहिए, और सभी राशि रत्न अवेलेबल है दोस्तों हमारे पास भी। और ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, आप इस पर भी विज़िट कर सकते हैं। डायमंड ज्वेलरी के लिए भी आप इस इधर विज़िट कर सकते हैं, अगर आपको डायमंड ज्वेलरी कोई परचेज़ करनी है तो हम आपको कॉम्पिटिटिव रेट में और एकदम बेस्ट विथ सर्टिफिकेट डायमंड ज्वेलरी अवेलेबल कराते हैं। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और स्टोन स्टडेड ज्वेलरी, ये दोस्तों हम अवेलेबल करवाते हैं। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है हमारे पास। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपसे वादा किया था शुरू में वीडियो के, अब मैं आपको डायमंड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं अपन घर में उसका तरीका बताऊंगा। सबसे पहले अपन को एक मशीन ख़रीदनी पड़ेगी, जो ये शो हो रही है ये मशीन अमेज़ोन पे या कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो आप मंगवा सकते हैं। जैसे ये 800 हज़ार या 1,500 तक में आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। तो इससे इसमें ये हार्डनेस टेस्टर होती है दोस्तों डायमंड के लिए, तो अगर आपका हीरा है या नहीं है इसको पता करना है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं डायमंड को, इसको लगा करके टच करके और टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा डायमंड को टेस्ट करना हो। एक तो अपन नकली नग लेंगे, नकली हीरा, और एक अपन असली हीरा लेंगे, दोनों को टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं अभी अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये गोल्ड की रिंग है और वो दूसरी जो रिंग पड़ी है वो डायमंड की रिंग है, ये अमेरिकन डायमंड है और ये डायमंड है। इसको हम टेस्ट करेंगे अभी मशीन पे। ये देखो दोस्तों ये हार्डनेस बता रहा है, डायमंड सेलेक्टर मशीन है ये, इसको अपन टेस्ट कर रहे हैं। ये स्टोन की हार्डनेस बता रहा है, अभी ये डायमंड डायमंड को टेस्ट कर रहे हैं। ये डायमंड की हार्डनेस बता रहा है, डायमंड की हार्डनेस 10 होती है, तो ये पूरी हार्डनेस बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर अगर आपने नहीं दबाया है तो प्लीज़ 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 इसको दबाइए, और जितने हो सके लाइक भी कीजिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर और आपका कोई सजेशन है कि मुझे इस स्टोन के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, या और आपको डायमंड के बारे में भी कुछ जानना है, तो आप कमेंट करके भी पता कर सकते हैं, मैं कमेंट का भी बिल्कुल जवाब दूंगा आपके।